Guys, I am Vivek Shankar. In previous lecture, I discussed about the adsorption of gases on our solids. I also discussed about the factors affecting rate of adsorption and adsorption isotherms. Today, I discuss about the process of catalysis and catalyst and some important terms used in catalysis. So guys, this topic is very important and very easy. So let us start the topic now. Catalyst or catalysis. Catalysis kaisa process hota hai wo zara bete samajhiyega. Bahut easy hai bete ki aisa substance jo kisi chemical reactions ke rate ko alter kar deta hai और बिना पार्टिसिपेट करे प्रोडक्ट के साथ और उसके मास में भी कोई चेंजमेंट नहीं होता है, इस टाइप के सब्सटेंस को क्या बोलते हो? कैटलिस्ट बोलते हो. क्या बोलते हो? कैटलिस्ट बोलते हो. और इस प्रोसेस को क्या बोलते हो बेटे? कैटालिसिस. कैटालिसिस का बेसिकली प्रोसेस जो होता है वो रेट इंक्रीज करने को होता है, इसलिए मैं इसके कैटालिसिस के बारे में बाद में बात करूँगा. पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आखिर कैटलिस्ट होते क्या हैं. कैटलिस्ट ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो किसी केमिकल रिएक्शंस की रेट को अल्टर कर देते हैं. भाई बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं, ठीक है? तो आपको वर्ड बहुत अच्छे से याद रखना है, अल्टर कर देते हैं, है ना. ऐसे सब्सटेंस जो किसी केमिकल रिएक्शंस की रेट को अल्टर कर देते हैं विदाउट, है ना, पार्टिसिपेटिंग इन द प्रोडक्ट, है ना. प्रोडक्ट के साथ बिना पार्टिसिपेट करे वो किसी भी केमिकल रिएक्शंस के रेट को अल्टर कर देते हैं और उनके मास में भी कोई चेंज नहीं आता है. इस टाइप के जो सब्सटेंस होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं बेटे? उनको हम लोग बोलते हैं कैटलिस्ट. क्या बोलते हैं? कैटलिस्ट. तो पहले हम लोग कैटलिस्ट की डेफिनेशन लिखते हैं, बट उसी प्रोसेस को हम लोग कैटलिसिस बोलेंगे, सीवीसी के अंतर हम लोग लिखेंगे. तो क्या लिखेंगे आप लोग बेटे? आप लोग लिखोगे आ सब्सटेंस विच अल्टर द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन which alters the rate of chemical reaction without, है ना, क्या बोलोगे बेटे? without itself undergoing without itself undergoing any change in mass and chemical composition, है ना, at the end of the reaction is called catalyst. उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटे? कैटलिस्ट बोलते हैं. तो कैटलिस्ट क्या होते हैं? मैंने आपके सामने लिखा आ सब्सटेंस विच अल्टर द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस विदाउट इटसेल्फ अंडरगोइंग एनी चेंजेस इन मास एंड केमिकल कंपोजिशन एट द एंड ऑफ द केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड कैटलिस्ट. उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटे? कैटलिस्ट बोलते हैं. ये बात बिल्कुल याद रखिएगा और आगे इसमें से लिखिएगा कि इसी को, ये जो फिनोमिना है ना, जो रेट ऑफ इंक्रीज, जो रिएक्शन के रेट को इंक्रीज कर देता है, इसका जो फिनोमिना होता है उसी प्रोसेस को हम लोग कैटालिसिस बोलते हैं. क्या बोलते हैं बेटे? कैटालिसिस. तो आप इसको आगे लिख सकते हो द फिनोमिनन ऑफ इंक्रीजिंग द रेट ऑफ रिएक्शन बाय द यूज ऑफ कैटलिस्ट
is called catalysis. Is called catalysis. ठीक है, तो बेटे याद रखना बेटा कि catalysis का प्रोसेस क्या होता है. ऐसा फिनोमिना होता है ना, जो आपके किसी केमिकल रिएक्शन के रेट को बढ़ा देता है. ऐसा सब्सटेंस जो होता है वो आपका है ना कैटलिस्ट होता है, और जो ये काम करता है वो उसी प्रोसेस को है ना क्या बोलते हैं हम लोग, कैटालिसिस बोलते हैं. क्या बोलते हैं बेटे? कैटालिसिस. ठीक है, इतनी बात समझ में आएगी भाई कैटलिस्ट क्या होते हैं. अब हम लोग बात करते हैं बेटे पॉजिटिव एंड नेगेटिव कैटलिस्ट की. तो नेक्स्ट हेडिंग क्या आएगी बेटा? पॉजिटिव एंड नेगेटिव कैटालिसिस. ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव कैटालिसिस. तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग डालेंगे बेटे, जानेंगे बेटे पॉजिटिव कैटालिसिस आखिर क्या होती है. ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट हेडिंग क्या है बेटे हम लोग की? पॉजिटिव कैटालिसिस है ना, पॉजिटिव कैटालिसिस. अब पॉजिटिव कैटालिसिस क्या होती है जरा समझिएगा बेटे, है ना, कि भाई पॉजिटिव जो कैटालिस्ट होते हैं या कैटलिस्ट होते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देते हैं, इस फिनोमिना को हम लोग क्या बोलते हैं? पॉजिटिव कैटालिसिस. क्या बोलते हैं बेटे? पॉजिटिव कैटालिसिस मतलब ऐसे कैटलिस्ट जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देते हैं, है ना, क्या करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देते हैं. इस टाइप का जो फिनोमिना होता है उसको हम लोग पॉजिटिव कैटालिसिस बोलते हैं. क्या बोलते हैं बेटे? पॉजिटिव कैटालिसिस. ठीक है, तो आप लिख सकते हो बेटे इसको, इट मे बी नोटेड दैट इट मे बी नोटेड दैट है ना, इट मे बी नोटेड दैट अ कैटलिस्ट में इंक्रीज और डिक्रीज है ना. आप बोल सकते हो, आप पॉजिटिव कैटालिसिस से पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जो कैटलिस्ट होते हैं वो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देते हैं, तो उनको पॉजिटिव कैटालिसिस बोलते हैं, और उस प्रोसेस को हम लोग पॉजिटिव कैटालिसिस बोलते हैं. यदि वो रेट ऑफ रिएक्शन को घटा देता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नेगेटिव कैटालिस, और उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं नेगेटिव कैटालिसिस. बट जो कैटलिस्ट होता है वो दोनों तरह से बिहेव कर सकता है, वो बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है. इसीलिए मैंने लिखा है इट मे बी नोटेड दैट अ कैटलिस्ट मे इंक्रीज और डिक्रीज द रेट ऑफ या द स्पीड ऑफ अ केमिकल रिएक्शन. ठीक है, तो जो कैटलिस्ट होते हैं वो किसी भी केमिकल रिएक्शन के रेट को बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं. अब इसमें से पॉजिटिव कैटलिस्ट की मैं डेफिनेशन नीचे लिख रहा हूँ, तो आप लोग लिख लीजिएगा कि इफ़ अ कैटलिस्ट इंक्रीज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, तो आप लिखिएगा इफ अ कैटलिस्ट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन rate of a chemical reaction, है ना, rate of a chemical reaction, it is called positive catalyst. ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटे? positive catalyst. And the phenomenon is called positive catalysis. उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटे? positive catalysis बोलते हैं. ये बात आपको क्लियर हो गई, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है, बहुत अच्छे. अब बात करेंगे लोग नेगेटिव कैटालिसिस की. ठीक है, अब बेटे नेगेटिव कैटालिसिस क्या होता है? इफ अ कैटलिस्ट डिक्रीज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इट इज कॉल्ड नेगेटिव कैटलिस्ट एंड द फिनोमिनन इज नोन एज
नेगेटिव कैटालिसिस, ठीक है? तो आप लिख सकते हो इफ अ कैटलिस्ट, इफ अ कैटलिस्ट डिक्रीज द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन इट इज कॉल्ड नेगेटिव कैटलिस्ट। उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटे? नेगेटिव कैटलिस्ट एंड द फिनोमिनन इज कॉल्ड नेगेटिव कैटलिस्ट, सॉरी नेगेटिव कैटालिसिस, नेगेटिव कैटालिसिस, कैटालिसिस, ठीक है? तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं बेटे? नेगेटिव कैटालिसिस बोलते हैं। ये बात बेटे आप लोग क्लियर हो गई, पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या होते हैं और नेगेटिव कैटलिस्ट क्या होते हैं। अब बात करते हैं हम लोग प्रमोटर्स एंड पॉइजन्स की, ठीक है? मैं पेज को टर्न कर रहा हूँ, तो उससे पहले आप लोग इसको वीडियो को पॉज करके आप लोग देख लीजिए। नेक्स्ट मेरा जो हेडिंग होगी वो क्या होगी बेटे? प्रमोटर्स एंड पॉइजन्स। है ना, प्रमोटर्स एंड पॉइजन्स। अब प्रमोटर्स क्या होते हैं और पॉइजन्स क्या होते हैं, उन चीज़ों को जरा समझिएगा, ठीक है? तो जैसे आप लोग जानते हैं प्रमोटर्स आर सब्सटेंस दैट इन्हेंस द एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट, है ना? प्रमोटर्स ऐसे होते हैं जो आपकी कैटलिस्ट की जो एक्टिविटी होती है उसको क्या कर देते हैं, इन्हेंस मतलब बढ़ा देते हैं। इस टाइप के जो हमारे प्रोडक्ट होते हैं या सब्सटेंस होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं बेटे? प्रमोटर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रमोटर्स। और कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो क्या कर देते हैं, किसी भी कैटलिस्ट की एक्टिविटीज़ को डिक्रीज कर देते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैटालिटिक पॉइजन, यानी पॉइजन्स बोलते हैं, ठीक है? उन सब्सटेंस को क्या बोलेंगे बेटे? पॉइजन्स बोलेंगे, ठीक है? तो आप लोग लिखिएगा बेटे, नेक्स्ट टाइम डालिएगा प्रमोटर्स, प्रमोटर्स, है ना, प्रमोटर्स हेडिंग है बेटे। आप लोग कैसे लिखोगे प्रमोटर्स को? तो यहां लिखोगे प्रमोटर्स आर सब्सटेंसेस ER होता है प्रमोटर में, सही कर लीजिएगा। प्रमोटर्स आर सब्सटेंसेस प्रमोटर्स आर सब्सटेंस दैट इन्हेंस द एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट, एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट, है ना, जो किसी कैटलिस्ट की एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं। जैसे सपोज करिएगा आपको एक एग्जांपल आगे देखने को मिलेगा, N2+3H2, है ना, ये जो प्रोसेस होता है इसको हैबर प्रोसेस बोलते हैं, अमोनिया का फॉर्मेशन है। इसमें आपको एफ ही तो कैटलिस्ट मिलता है, बट मॉलिब्डेनम जो होता है वो क्या होता है बेटा? प्रमोटर्स। क्या होता है बेटा? प्रमोटर्स, ठीक है? उसको क्या बोलते हैं बेटा हम लोग? प्रमोटर्स बोलते हैं। वो क्या करता रहता है, ये आयरन की जो एक्टिविटी होती है, जो एक्टिव साइट्स होती है उनको ये बढ़ा देता है, है ना, मॉलिब्डेनम, ठीक है? एमओ होता है बेटे मॉलिब्डेनम, और क्या बन जाएगा? 2NH3 गैस, ठीक है? ये भी गैस है और ये भी गैस है, ठीक है? तो आपको एग्जांपल भी मैंने दे दिया कि भाई प्रमोटर्स क्या होते हैं, तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। दूसरा होता है मेरा पॉइजन, है ना। अब हम पॉइजन की अगर बात करें तो ऐसे सब्सटेंस जो किसी भी, है ना, आपके कैटलिस्ट की जो एक्टिविटी होती है उसको डिक्रीज कर देते हैं उनको पर बोलते हैं पॉइजन्स। क्या बोलते हैं? पॉइजन्स। तो बेटे लिखिएगा डेफिनेशन, द सब्सटेंसेस विच decrease the activity of, है ना, decrease the activity of catalyst are called, है ना, catalytic, है ना,
कैटालिटिक पॉइजन, उनको क्या बोलते हैं बेटे, कैटालिटिक पॉइजन बोलते हैं। आपको मैं एक इसका भी एग्जांपल बता देता हूँ, है ना, जो आपका क्लोरोफॉर्म होता है, क्लोरोफॉर्म को हम लोग हमेशा बॉटल, कलर्ड बॉटल में ऊपर तक पूरा भर के रखते हैं और उसमें थोड़ा सा इथाइल अल्कोहल डालते हैं ताकि वो एयर से रिएक्ट करके फॉस्जीन गैस ना बना ले। क्या ना बना ले बेटे, फॉस्जीन गैस, सी ए, है ना, जो सी ओ सी एल टू गैस होती है उसको फॉस्जीन गैस बोलते हैं। ये बहुत पॉइजनस होती है, इसीलिए क्लोरोफॉर्म जो होता है वो ऑक्सीडाइज होकर क्या बना लेता है, फॉस्जीन गैस बना लेता है। तो इसका ये एग्जाम्पल है बेटे कि इथाइल अल्कोहल को हम लोग, है ना, क्लोरोफॉर्म में इसलिए मिला के रखते हैं कि वो जो ऑक्सीडेशन का जो उसका प्रोसेस है उसके जो रेट को ये डिक्रीज कर देता है, है ना। तो ये क्या है बेटा आपका, एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि ये पॉइजन की तरह वर्क कर रहा है, या जो आप रिडक्शन देखते हो, है ना, है ना, रोजन मून रिडक्शन देखते हो, उसमें सल्फर का जो रोल होता है वो पॉइजन की तरह वर्क करता है, वो एक्टिव साइट्स को ब्लॉक कर देता है कैटलिस्ट की। अब एक्टिव साइट्स क्या होती हैं, सपोज करिए सरफेस है, सरफेस में ये जो आपको एक्टिव साइट्स मिलेंगी जहाँ पर सरफेस एरिया बढ़ जाता है, इस एक्टिव साइट्स, ये क्या हैं, एक्टिव साइट्स हैं, है ना, ये बहुत सारा एक्टिव साइट्स हैं। अब इसमें अगर कोई सब्सटेंस आके बैठ जाएगा तो जो दूसरे सब्सटेंस को एड्जॉर्ब होना है, मान लीजिए हाइड्रोजन को एड्जॉर्ब होना है यहाँ पर, तो वो यहाँ नहीं हो पाएगा, ठीक है, यहाँ नहीं हो पाएगा बट यहाँ पर हो जाएगा, क्लियर है ये बात। तो आगे हम जब मैकेनिज्म की बात करेंगे, कैटालिसिस की मैकेनिज्म क्या होती है, तो उसके उस समय मैं आपको ये चीज़ें वहाँ पर सिखाऊंगा, ठीक है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में आप लोग अपने व्यू जो होगा शेयर करिएगा, और साथ ही थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।